अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद खोखर पर मैं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताएं हम किस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं टॉप 10 वेपन्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी 1999 कारगिल वार में, जो जंग में इस्तेमाल था वेपन 1999 की जंग में जो पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी, कारगिल की जंग। तो फिर देखें कौन कौन सा इंडियन आर्मी ने वेपन इस्तेमाल किया था। तो फिर बगैर टाइम इसके रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कारगिल वॉर के 23 साल पूरे होने पर देश सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। इस वॉर में इंडियन आर्मी के जवानों ने अदम्य वीरता और रणकौशल यानी टैक्टिक्स का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। इसके साथ ही इस वॉर में सेना के शौर्य में ऐसे हथियारों का भी योगदान है जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने के बल लाने पर अहम भूमिका निभाई थी, और इन हथियारों के अचूक वार से पाकिस्तान पस्त हो गया था। तो आइए जानते हैं उस समय इस्तेमाल किए गए उन खतरनाक हथियारों के बारे में जिन्होंने सीधे पाकिस्तान के सीने पर वार किया था। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बोफोर्स तोप के बारे में। दोस्तों स्वीडन की इस तोप ने कारगिल वॉर के दौरान अपने दम पर पूरे वॉर का रूप ही बदल दिया था। ऊंचाई पर बंकरों में छिपकर बैठे दुश्मनों को मार गिराने में इस तोप की फायर पावर ने बहुत मदद की थी। इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है और 42 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और ये तोप 14 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। इस आर्टिलरी गन ने पाकिस्तानी सैनिकों को काफी ज्यादा परेशान किया था, और जब भी कारगिल वॉर का नाम आएगा इस बोफोर्स गन का नाम जरूर लिया जाएगा। तो अब आइए जानते हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। दोस्तों पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने कारगिल वॉर के दौरान दुश्मनों की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ट्रकों पर लगे इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है। इस सिस्टम की एक यूनिट में 12 रॉकेट होते हैं जो 44 सेकंड में फायर होते हैं। इन रॉकेट सिस्टम ने एक साथ इतने रॉकेटों की बरसात कर दी थी कि पाकिस्तानी बंकरों का बचना मुश्किल हो गया था। तो अब आइए जानते हैं AK-47 और इंसास राइफल के बारे में। दोस्तों तोप और फाइटर जेट्स तो वॉर में इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन सैनिकों के हाथ में जो हथियार होता है उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि असल में कारगिल के समय इन्हीं बहादुरों ने जमीन पर लड़ाई लड़कर चोटियों को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। इस दौरान देश में ही बनी इंसास राइफल और रूस की AK-47 राइफल भारतीय सेना के वीरों की लड़ाई के मैदान के साथी बने थे। कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी ने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के लिए इंसास राइफल का इस्तेमाल किया था। हालांकि वॉर के दौरान इस राइफल के जाम हो जाने, मैगजीन के टूट जाने व रेंज कम होने की शिकायतें भी मिली थी, लेकिन फिर भी इस राइफल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही क्लोज कॉम्बैट के लिए AK सीरीज के AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। इस राइफल को भारतीय सेना बहुत समय से इस्तेमाल कर रही है। कारगिल वॉर में ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस राइफल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है, और दुश्मनों को मारने में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब आइए जानते हैं SAF कार्बाइन 2A1 के बारे में। दोस्तों ये गन सब मशीन गन 1A1 का साइलेंस वर्जन है, जिसमें बैरल में साइलेंसर फिट किया गया है। ये कानपुर में आर्मामेंट्स फैक्ट्री द्वारा बनाया गया है। ये एक हल्के वर्जन का हथियार है और ऑटोमेटिक फायरिंग करने में सक्षम है। ये 150 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकता है। इसकी भी कारगिल वॉर में बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि उस समय इस कार्बाइन का काफी इस्तेमाल होता था। तो अब आइए जानते हैं ड्रैगनो स्नाइपर राइफल के बारे में। दोस्तों सोवियत रूस में बनी इस स्नाइपर राइफल का कारगिल वॉर में काफी इस्तेमाल हुआ था। इस राइफल में 7.62x54mm की कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 से 900 मीटर तक मानी जाती है, और इसका इस्तेमाल दुश्मनों को दूर से निशाना बनाने के लिए किया जाता रहा है। इंडियन आर्मी के स्नाइपर्स ने इस राइफल की हेल्प से कई दुश्मनों को खत्म किया था। तो अब आइए जानते हैं कॉर्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर के बारे में। दोस्तों भारतीय सेना ने कारगिल वॉर के दौरान स्वीडन की कॉर्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर के जरिए दुश्मनों के कई बंकरों को तबाह किया था। इस रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड ने स्वीडन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत निर्माण किया है। इसने दुश्मनों के इन्फेंट्री के साथ बंकरों को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब आइए जानते हैं NSV हैवी मशीन गन के बारे में। दोस्तों सोवियत निर्मित इस मशीन गन का निर्माण ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड के आर्मामेंट्स फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में किया गया है। वहीं आप सोच सकते हैं कि एक मशीन गन कितनी खतरनाक होती है और इसने कितनी तबाही कारगिल वॉर में मचाई होगी। दोस्तों इसकी 12.7x108mm की गोलियों ने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया था।
तो अब आइए जानते हैं लेजर गाइडेड बम के बारे में। दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों पर मिराज 2000 फाइटर जेट अकेला नहीं था जिससे पाकिस्तानी घुसपैठिए खौफ खा रहे थे, बल्कि जेट में लगे लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने की तबाही की वजह बन रहे थे। कारगिल के समय ही मिराज को बेहद सटीकता से मार करने वाले इन बमों और लेजर पोर्ट से लैस किया गया था, जो 1999 में एयरफोर्स के लिए बेहद कारगर साबित हुए थे, क्योंकि दुश्मन के बंकर्स को निशाना बनाने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद इजराइल से मिले इन बॉम्ब्स ने काफी तबाही मचाई थी। और मिराज 2000 फाइटर जेट को बेहद सटीकता से टारगेट पर बम गिराने के लिए जाना जाता है। और कारगिल के समय भारतीय सेना की मदद के लिए एयरफोर्स की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सफेद सागर में इस जेट और इसमें लगे बॉम्ब्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए दुश्मन की नाक में दम कर दिया था। तो अब आइए जानते हैं MiG-29 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, इस फाइटर जेट ने एयरफोर्स की ओर से कारगिल में बम गिराने में तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसकी तैनाती एक ऐसे काम के लिए की गई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मिराज फाइटर जेट और दूसरे जेट्स पहाड़ियों पर हमले कर रहे थे तो एक आशंका पाकिस्तानी एयरफोर्स के उन्हें रोकने और निशाना बनाने की थी। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के दो इंजन वाले MiG-29 ने आसमान की रखवाली की कमान संभाली थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने से कहीं ज्यादा घातक MiG-29 के चलते LOC पार करने के लिए मजबूर हो गई थी। MiG-29 में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी आंख से न देख सकने वाली दूरी वाली टारगेट पर दागे जाने वाली मिसाइल मौजूद थी और तब पाकिस्तान के पास यह क्षमता नहीं थी। तो अब आइए जानते हैं MiG-27 बहादुर के बारे में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बहादुर फाइटर जेट MiG-27 के बगैर कारगिल वॉर की बात अधूरी होगी। MiG-27 ने 1999 में हुए कारगिल वॉर में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। MiG-27 ने 1999 के कारगिल वॉर में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। 1999 में जब पाकिस्तानी घुसपैठिए चोटियों पर घात लगाकर बैठे थे तो एकाएक उन पर आसमान से गोले बरसाने शुरू हो गए। ये बमबारी इतनी सटीक थी कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन ये जेट अब रिटायर हो चुका है। तो दोस्तों, ये वो हथियार हैं जिन्होंने कारगिल वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाने में मदद की थी। तो हमें भी देखा, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो मजा आ गया यार। 1999 की जो कारगिल वॉर में हुई जितने ज्यादा खतरनाक यार, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि इंडिया ये जंग जीत था नहीं आ रहा था। पता नहीं, मैं तब पैदा हुआ था जिसमें हमारे हुक्मरानों ने गद्दारी की हो। आप लोग उस जंग की यार बात करो, गद्दारी की तो हमसे वो बांग्लादेश राजा हो गया था। वो देखो ना, देखो ना जो मुजीबुर रहमान था इतनी ज्यादा सीटें मार रही थी अल्लाह के बंदे की, लेकिन जो भुट्टो बीच में आ गया था ना, तो फिर उसकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क भी अलहदा कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बहुत पाकिस्तानी मर्द शहीद हुए और बांग्लादेशी भी बहुत ज्यादा शहीद हुए। तो इस वजह से ना बहुत बहुत मामला खराब हुआ। लेकिन यार 1971 की जंग में इंडिया कहाँ से आ जाता था, लेकिन समझने वाली बात है, उसमें भी 1971 की जंग में भी हुक्मरानों ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से हमारी फौज को मुंह की खानी पड़ी। और 1999 की जंग में भी तो उसमें भी हुक्मरानों ने कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से हमारी फौज वो पीछे से उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने कहा था जंग छोड़ दे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। पर यार बात ये है कि हार जीत तो होती है, बात ये है कि जीतने वाले की बात भी करनी चाहिए। 1965 की भी जंग थी यार, बातें क्या करें, लेकिन वो आपके चैनल में बहुत ज्यादा काम मिलती है। तो मजा आ गया यार। तो बहुत सारे लोग नीचे हेट कमेंट करेंगे, हम लोगों ने कोई गलत नहीं बोला, हम लोग भी तो बर्दाश्त कर रहे थे इस वीडियो के अंदर, हम लोगों ने कोई उल्टा दिशा नहीं बोला, नहीं बोला, जो जिसकी जो खासियत है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम करते यार, मजा आया यार वीडियो देखा, इतने ज्यादा वेपन किस तरह यार। तो हाँ, जो अभिनंदन भी गिराया था हम लोगों ने। फिर हो गया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज्यादा नीचे बैक कमेंट मिलने वाले इस बार।